बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मंगलवार को नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने बिहार में प्रशासन को लेकर तमाम सवाल उठाए। वहीं बता दें आपको कि बातचीत में तेजस्वी यादव ने कहा, बिहार में प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है, कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं की जा रही है। अगर बिहार मॉडल प्रधानमंत्री जी अपना लें तो समझिए कि कोरोना का किसी को भय ही नहीं रह जाएगा। जांच करवाने में सबको फिजर दी बिहार सरकार है। बता दें कि बिहार में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को राज्य के 25 जिलों में 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। इसके बाद राज्य में संक्रमितों की संख्या 9,745 हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 274 मरीज ठीक हो गए और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब तक कुल 7,374 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि राज्य में फिलहाल सक्रिय मामलों की संख्या 2,069 है। बिहार में पिछले 24 घंटे में राज्य में 6,827 सैंपलों की जांच की गई। राज्य में अब तक 2,12,659 सैंपलों की जांच की गई है। SPN9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।